मेरे प्यारे मित्रों और साथियों, आप सभी का इनसेट क्लासेस में स्वागत है। मुझे आपसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब, और मोटिवेशन भी मिलता है जब आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं। आपको मैं अपनी खुशी बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हो रहा हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज हम वर्ड स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखिए, जब दो सिलेबल वाले वर्ड्स होते हैं तो पहले सिलेबल पर स्ट्रेस लगता है यदि नाउन हो तो। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब दो सिलेबल वाले शब्द नाउन हो तो स्ट्रेस पहले सिलेबल पे लगता है। जैसे यहाँ पर देखिए, पी से पहले एक आपको चिन्ह दिख रहा है, स्ट्रेस मार्क इसको कहते हैं। प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। यहाँ पर देखिए, टेबल पढ़ते हैं इसको। मार्केट में देखिए, मार्केट इसको पढ़ते हैं, मार्केट नहीं होता है क्योंकि ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में ये सब चीज़ें का लोप होता है। इसके बारे में बाद में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर लिखा है बॉटल लिखा है। ऐसे ही यहाँ पर वाइपर लिखा है। और यहाँ नीचे देखिए, बास्किट। जैसे मार्किट होता है, मार्केट नहीं होता, मार्किट, ऐसे बास्किट होता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, पहला रूल ये है कि जब दो सिलेबल्स वाले नाउन हो तो स्ट्रेस पहले सिलेबल पे लगता है। जैसे यहाँ पर पी पे स्ट्रेस लगा हुआ है, टेबल पे लगा हुआ है, इसमें छूट गया है मेरे प्यारे मित्रों। तो हम यहाँ देखेंगे, स्ट्रेस मार्क यहाँ है, ठीक है, और उसके बाद इमेज में है यहाँ पर, ठीक है। और ऐसे ही देखिए, यहाँ पर बॉटल में है, वाइपर में है और बास्किट में है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप समझ गए होंगे कि मार्केट नहीं होता है, मार्किट होता है, मार्किट, आर का लोप है इसमें। तो मेरे प्यारे मित्रों, अब वीडियो को आप ध्यान से देखिए और इसको पढ़िए, स्ट्रेस को, और एक बार खुद देखने का प्रयास कीजिए। हाँ, आपको वावेल्स, दीप्थांग आपको पते होंगे तभी होगा। हम वावेल्स और दीप्थांग के बारे में भी चर्चा करेंगे। यह ट्रांसक्रिप्शन में लिखा गया है, यानी इसका राइट प्रोनंसिएशन क्या होता है। प्रोनंसिएशन के माध्यम से हम जानते हैं, यानी ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से जानते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ अब हम दूसरा रूल्स पढ़ेंगे स्ट्रेस मार्क का। देखिए यहाँ पर लिखा है नोट में, यदि दो सिलेबल्स वाले एडजेक्टिव हों तो स्ट्रेस पहले वाले सिलेबल पर लगेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, है पी, यानी कि हम अ पे जोर देकर बोलेंगे। यहाँ क्लेवर यानी क पे बोला जाता है, क्लेवर। ये ह्रस्व स्वर है अ, इसको हम ई उल्टा आपको दिख रहा है, यह ह्रस्व स्वर आता है और आर का लोप हो जाता है। यहाँ पर परफेक्ट होता है मेरे प्यारे मित्रों, परफेक्ट। यहाँ ब्रोकन होता है, ब्रोकन, न कि ब्रोकन हम पढ़ेंगे। ऐसे ही हंगरी लिखा है, यहाँ पर हंगरी है। और यहाँ पर सॉलिड होता है, सॉलिड, आ की मात्रा, सॉलिड, ठीक है, सॉलिड लिखा। तो प्यारे मित्रों, आपने देखा कि क
कैसे दो रूल्स हम पढ़े स्ट्रेस मार्क का। अगले वीडियो में हम फिर कुछ एक्सेप्शन पढ़ेंगे, ठीक है। और कृपया हमारे चैनल पे आप बने रहिए और सदैव आपका स्वागत रहेगा। और मेरा प्रयास रहेगा कि आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन दूँ। और मुझे तहे दिल से बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग मुझे सहायता कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल को। और इससे ज़्यादा मुझे खुशी की बात नहीं है हो सकती कि आप लोगों की वजह से मुझे मोटिवेशन मिल रहा है। सब्सक्राइबर जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मैं मोटिवेट होता जा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे मित्रों, धन्यवाद आप सभी को। एजुसेट क्लास पे, एजुसेट क्लास इसका पुराना नाम था, लेकिन अब हमने इसका नाम बदल कर एजुसेट स्टडी सेंटर कर दिया है। धन्यवाद प्यारे मित्रों, और कृपया मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।